लोकसभा चुनाव 2019 का दंगल सातवें चरण को लेकर कांग्रेस ने ताकत झोंक दी है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी आज पंजाब के दौरे पर रहेंगे और पंजाब के फरीदकोट में राहुल की पहली जनसभा होगी। इसके बाद लुधियाना में जनसभा को संबोधित करते नजर आएंगे। पंजाब के फरीदकोट में राहुल गांधी की पहली जनसभा होनी है, इसके बाद लुधियाना में जनसभा को संबोधित करेंगे। सातवें चरण को लेकर कांग्रेस ने प्रचार प्रसार में ताकत झोंक दी और इसी के तहत कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी आज पंजाब के दौरे पर दिखेंगे। क्योंकि सातवें चरण के चुनाव के बाद ही नतीजे तय होंगे और ये अंतिम चरण है और यही चरण इन सभी दिग्गज नेताओं की किस्मत तय करेगा और सभी पार्टियों का फैसला तय करेगा कि आखिर देश में सरकार किस पार्टी की बनेगी। इसी के तहत कांग्रेस और भाजपा दोनों ही पार्टियां अपने अपने स्तर पर प्रचार प्रसार में जुटी है। आज कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी सातवें चरण को लेकर पंजाब के दौरे पर रहेंगे और पंजाब की सियासत को साधने का अपने दौरे के माध्यम से काम करेंगे। सबसे पहली जनसभा पंजाब के फरीदकोट में होनी है और उसके बाद लुधियाना में राहुल गांधी एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे।